एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। वाओ, प्रो बोलने में ऐसे वॉच दिखाने का बड़ा मन करता है, बड़ी सही लगती है मेरे को ये वॉच अपनी, है ना सही है। अरे यार, तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। आज थोड़ा सा मेरा लुक अलग लग रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रखी थी, तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो 15 मिनट का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कोको स्टूडियो सीजन 15 के सॉन्ग को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं भैया, नहीं, क्यों करूंगी मैं इग्नोर, बहुत टाइम ही नहीं बचता है। तो कोको स्टूडियो बांग्ला का भी पुराना मैंने रिएक्ट कर रखा था, वही संडे वनडे में, मंडे में, तो मैं उसे ऐसे निकालती रहती हूँ एडिट करके। वरना भाई, मैं क्यों इग्नोर करना चाहूंगी, मैं तो बल्कि मैं चाह रही हूँ मैं नई और उसको पकड़ूं, नई नई लैंग्वेज को पकड़ूं, नई नई चीज़ों को पकड़ूं, तो मैं तो अपनी लिमिट पुश करना चाहूंगी ना। मैं पीछे क्यों जाऊंगी कि मैं कोई चीज़ कर रही हूं, तो इग्नोर में कोई भी चीज़ नहीं करती। और जिसको मुझे जिस चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा हो उसे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बट क्या होता है, टाइम बहुत आपके पास कम होता है, टाइम मैनेजमेंट भी करती हूं मैं यार, मेरे को खुद का अपने लिए तो कोई टाइम बचता नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने इतने दिनों में, तो आज वो हीरा मंडी सीरीज मैंने ख़त्म करी मैंने, एक ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, आलम साहब ने। ठीक है, वैसे देख लेना, नेटफ्लिक्स पे है, मेरा कौन सा क्या हो रहा है देखने के लिए। मतलब मैं तो बता रही हूँ कि आजकल वो देख रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मजा तो उतना खास आया नहीं, क्योंकि जहाँ पे जो केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री अच्छी हिट नहीं लगी मेरे को। ठीक है, बाकी आ जाते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से खराब होने वाला, हर काले लग रहा, समझ में आ रहा है। कोको स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 जहूर एंड रेशमा का गाना है, देखे जरा कैसा गाना है, क्योंकि इस पे रिएक्ट करो। अब मैं भैया यही उठाऊंगी, पहले पुराने तो चलो बाद में जाए, जो लेटेस्ट है वही उठाती रहूंगी, वरना लोग कहेंगे इग्नोर। नहीं भैया, वो सब नहीं होता मेरे से। ठीक है, तो ये भी कर लेना, और मैं देखू, मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी देखू, मैं हार्ट वगैरह दे देती हूँ, लेकिन मेरे को कमेंट्स वगैरह मैं सबके पढ़ती हूँ, तभी मेरे को समझ में भी आता है कि अच्छा क्या बोल रहे हैं, और रिप्लाई भी कर देती हूँ। बाकी तारीफों में तो मैं थोड़ा सा ऐसे सोचती हूँ कि डाउन टू अर्थ बने रहो, तो उसकी ज्यादा वो नहीं करती हूँ। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं फिर। क्या वीडियो देखने हैं, ऐसे ही कर रहे हैं क्या इसी? यार मेरे को आदत ही ऐसे टेढ़े मेढ़े मोड़ने की है, मैं इंसान ही टेढ़ी मेढ़ी हूँ थोड़ी। चलो ठीक है, ऐसे भी कर ले रहे रिएक्ट। यार क्या हो रहा है, स्टार्ट कहाँ स्टार्ट भाई, कनेक्ट ही नहीं है ब्लूटूथ हमारे। तेरी मैं दुआएं दूं तुझको मैं, एकता तेरी आवाज। चलो कुक स्टूडियो सीजन 15, वॉल्यूम तेज है ना भैया, बहुत तेज। अच्छा, ये तो कुछ अलग ही टाइप आ गया आज। साउंड ऑफ द नेशन तो आई जाती है। अच्छा, मतलब ये कोई अलग लैंग्वेज में है क्या? ओ भाई साहब, ये कितना प्यारा उठा है। ज्वंजमा ज्वंदस्ता बेलशाने दे हर कले जकवम जपा दरवाजे। ठीक है, स्तरगो तो राकई मालख कोला झपसे सर्वमा लक्का ले वने सारमा वरपसे लारदा में खाने दस लाखो सदा श्वदख कोला उस पर ले रागे प दुनिया सुज मिच ब्याह दसी कोले तमियो मकाम तेरे सोले नशे मती जाप पुयोले कोले वाली खत्म हो जाए कहीं, और मैं
आप आज आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा झूम भी नहीं पा रही, क्योंकि पता है इतनी अलग सा मिक्सचर इमोशन आ रहा है अंदर से। एक तरफ से वो अपनी लैंग्वेज में चीची उठी, ठीक है, पहले तो मुझे हर काले का मीन बता देना, मेरे को नहीं समझ में आता है, आया अभी तक तो नहीं आया इस 2 मिनट 17 सेकंड के गाने में, ठीक है। अब वो अपने लव को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ये बता रही है, और इनकी सिंगिंग में यार ये भी पाकिस्तान से ही है क्या, या इनकी सिंगिंग में पूरी हॉलीवुड वाइब आ रही है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा वो कहते हैं डिलेमा वाली सिचुएशन में हूँ कि हाय राम क्या मजा आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये, तो थोड़ा सा ओवरकम होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये रिएक्शन हो ही नहीं पा रहा है, झूमने लायक बन ही नहीं पा रहा है, ये तो थोड़ा समझने वाला बन जा रहा है और बहुत अलग सी वाइब दे रहा है, बहुत ही अलग सी वाइब दे रहा है। बाकी अभी तक के गाने में जो एलिमेंट उठे हैं, जो जिससे गाना शुरू हुआ था, उसने तो बिल्कुल कान को वाइब्रेट कर दिया, मज़ा आ गया जिस चीज़ से उठा था, और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। पर मेरा ध्यान थोड़ा समझने में है आज, क्योंकि सबटाइटल मुझे मिल रहे हैं और बीच में जो ये हॉलीवुड वाली वाइब आ रही है, आहा हा, ये तो रहन दो। Sabasha must be lonely, yes, sir, I saw you. I devote my life to you. Coming to the moon when I look at you. From the other side, I sing it back to you. So, Jimmy, Jimmy, I'll let you go. कहो ना कहो, वैसे तो ये गाना सिंगिंग वाली चीज चली थी, पर अभी ये दोनों जैसे पास में आए ना, थोड़े खड़े हुए, मेरे को ऐसा लगा हर आपको कुछ समझ रहे हो आप, ऐसे केमिस्ट्री वाली चीजें देख के ऐसे मन में अजीब अजीब सा होने लगता है, तो वो वाली चीज हो रही थी, ऐसा लग रहा था अच्छा कुछ रोमांटिक सीन आ रहे क्या, नहीं नहीं ऐसी गलती गलत चीजें नहीं सोचते भैया, गाने को सुनते हैं, फील करते हैं, ठीक है। अब ठीक है यार, अब केमिस्ट्री दिखने लग जाती है, अच्छी केमिस्ट्री लग रही थी यार इन दोनों के गाने में। एक तो गाने की जो हुक लाइन थी उसमें ये था कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो मेरे को इंग्लिश सबटाइटल में समझ में आया, बाकी मुझे हर काले का मीन अभी भी समझ में नहीं आया, ये बता देना क्या कोई मीन है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में ही है, उसी लैंग्वेज में होगा। बाकी गाना यार, गाना बहुत ही प्यारा था, गाना इस बार ये क्यों लटकते रहते, हटाओ इसको, गाने में इस बार बहुत ही अलग लगा, मुझे लगा कि मैं कोकोस्टूडियो पाकिस्तान को सुन रही हूँ, साफ बता दूँ, मेरे को बहुत ही प्यारी आवाज लगी जो इनकी मेन, ये जो फीमेल सिंगर है इन्होंने तो हाईलाइट ले ली भाई, बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन, बहुत ही अच्छा गाना, और सब कुछ इतना परफेक्ट था कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके ऐसा जबरदस्ती फालतू नहीं बनाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को जितनी नॉलेज है, जिस हिसाब से मेरे को समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से मेरे को म्यूजिक हिट करता है, मैं वो बता देती हूँ। बाकी देखो इतनी प्रो तो मैं हूं नहीं, मेरी उम्र के नौजवान प्रो होते हैं, ठीक है, बस मैं जितनी मेरे को जितनी समझ है तो बताती हूँ कि मेरे को, और मेरा पता है आज वीडियोग्राफी पे भी ध्यान दिया, क्योंकि वीडियोग्राफी दो ही तरह से ध्यान जाता है, जब आपको एक केमिस्ट्री टाइप की दिखने लगती है, और जब आपको बहुत अलग थोड़ा सा डांस मूव्स होते हैं तो वहां तो जाता ही जाता है भैया, डांस में तो जाएगा ही जाएगा, और मेरे को तो जब केमिस्ट्री दिखने लगती है कहीं ना कहीं, मेरा ऐसे गाड़ियां वाली वीडियो में गाड़ियां उड़ रही है, ये उड़ रही है, वो उड़ रही है, उसमें तो ध्यान नहीं जाता है, ये मेरा वो है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आप तो मेरा चैनल है तो मेरा ओपिनियन ही होगा ना यार, इसमें ये मत होना कि तुम्हें समझ में नहीं आता ये वो, सो अब है ही इतनी अकल बुद्धि जितनी होगी उतनी बताऊंगी,
कि तो मेरे को जहाँ पे थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री बढ़ने लगती है मेरा है वहाँ पे थोड़ा पैर फिसल जाता है, तो मेरे को बड़ी पसंद आती है वो चीज़ें। और मुझे तो पता नहीं आज सिंगर्स के बीच में बड़ी प्यारी केमिस्ट्री दिख रही थी, अब हो सकता है नहीं हो, लेकिन क्योंकि गाना उस तरीके का था ना, तो जब गा रहे हैं उस रोल को निभा रहे हैं तो लगेगा हमको कोई हमें दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी एलिमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे लगे थे मुझे, लड़के की आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मैं अभी पार्शियल हूँ कि मुझे लड़की की जो पूरा अंतरा था वो मज़ा आ गया सुन के। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी मेरे साथ रिएक्शन अच्छा लगता हो, कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती हो, कुछ भी चीज़ें बकवास लगती हो, कुछ भी चीज़ें लगती हो तारीफ लाए, तो सब कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इसी के लिए खुला होता है कि कमेंट करो। यूट्यूब पे 2-3 चीज़ें हैं वो कर दिए करो, लाइक कर दिए करो, शेयर करोगे तभी चीज़ें फैलेंगी, आप ही के शेयर से फैलेंगी। क्या चाहे कि आप कितनी भी लेट करो, रिएक्शन लेट हो सकता है लेकिन आपके शेयर से वो दोबारा से जागरूक उजागर हो सकता है। क्या है, ज़्यादा ही अजीब सी हिंदी बोल रही हूँ लेकिन ठीक है, मतलब और फैल सकता है। तो बस लाइक मार दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और मैं कोई इग्नोर नहीं करूंगी गानों को, मैं जब तक टाइम होगा तब तक वीडियो लेके आऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, क्या करूँ, 11 मिनट, टाटा।